गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे एक रियलाइजेशन हुई जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मेरा काम शुरू होने वाला है ना, और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत न्यू है। ठीक है, जो स्किल हम सीख रहे हैं इस कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और जो न्यू कमर्स जो है ना, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, सबके मतलब बस की बात नहीं है। और ना शुरुआत वाले दिन ना काफ़ी मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि यार मैं बार बार जो भी टेस्ट दे रही हूँ उसमें फ़ेल हो रही हूँ। ठीक है, तो मुझे इनिशियली बड़ा डिमोटिवेशन हो रहा था। फिर मैंने सोचा यार नहीं यार रुको, इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है? फेलियर कोई बुरी बात तो है नहीं, तो क्यों ना इसको हम अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखें और अलग तरीके से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फाइनली एक दिन ठान ली कि यार अब तो मैंने अच्छा स्कोर करना है, और मेरे को जो भी एफर्ट्स लगेंगे एक्स्ट्रा अलग से वो मैं करूँगी। तो मैंने फाइनली थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करी अपने ट्रेनर से, है ना। मैंने स्टे बैक्स करने शुरू करे और मैंने वो स्किल सीखने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि अगर मैं बीच में इन द मिडल ऑफ दिस टाइम कुछ भी भूल जाती हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। और मैं अच्छे से ग्रास्प करना चाहती हूँ चीज़ों को, तो मैंने अपना पूरा एक विल पावर लगा दिया। मैंने बोला अब तो मैं करूँगी ये चीज़। मतलब कि फेलियर्स आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह होने चाहिए कि भाई आप उसको अचीव कर सको, और आपको उससे थोड़ा भी अपने आप को डिप्राइव नहीं करना चाहिए, डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि भाई हम अगर फेल हो रहे हैं तो हम उस चीज़ को करना छोड़ दें। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। लाइफ में थोड़ा टाइम लग सकता है यार, सब लोग सेम नहीं होते। ठीक है, सबकी स्किल डिफरेंट होती है, तो उस अकॉर्डिंगली सारा कुछ आप करो, है ना। अपने आप को समझो, देखो कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। व्हाट आई बेसिकली डेड वॉज कि जो रिसोर्सेज थे उनको मैंने सैटरडे संडे में, जो बहुत अच्छे से टाइम था, ठीक है, फालतू का मेरा दिमाग जो इधर उधर चलता है, इससे अच्छा मैंने सोचा कि यार चलो नोट डाउन करते हैं सारे पॉइंट्स, है ना, इनको अब दिमाग में बिठाते हैं ताकि अब कभी भी इस तरीके का कुछ भी टेस्ट हो तो भाई मैं रेडी रहूं, है ना। और मतलब आप मानोगे नहीं, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया यार, मैं फटाफट सॉल्व कर रही हूं। मतलब मैं खुद, मेरे को उस टाइम विश्वास नहीं हो रहा था जब टीचर ने टेस्ट दिया, मैं बढ़िया उसको सॉल्व कर रही हूं, है ना। एक मतलब सेट हो गया मेरे दिमाग में सारा इक्वेशन कि भाई हाँ ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है, और सारी चीज़ों को मैं आराम से टाइम दे पाई अपने वीकेंड पे। तो दैट्स व्हाट आई वाज इवन डूइंग इन माय वीकेंड, आई वाज ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स सो दैट आई कैन अचीव माय गोल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।